प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के ईपीसी कोर्सेज अर्थात एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज के जो कोर्सेज हैं उनके विषय में आपसे बात करेंगे। एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्सेज को बीएड पाठ्यक्रम में इसलिए रखा गया है ताकि एक टीचर के तौर पर आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को और बेहतर बनाया जा सके। बीएड फर्स्ट ईयर में ऐसे दो कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, जो 2 क्रेडिट का है, जिसका कोड BESL 121 है। दूसरा कोर्स BESL 122 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ICT, वो भी 2 क्रेडिट का है। दोनों कोर्स का कोर्स मटेरियल डेवलप किया गया है जिसके आधार पर आपको अपनी एक्टिविटीज करनी है। इन ईपीसी कोर्सेज में कुल 4-4 एक्टिविटीज हैं, अर्थात कुल 8 एक्टिविटी आपको करनी है। हर एक कोर्स में 2-2 एक्टिविटी आपको अपने इंटर्नशिप 1 के दौरान करनी है और 2-2 एक्टिविटीज आपको जब आप वर्कशॉप के लिए अपने प्रोग्राम स्टडी सेंटर जाएंगे तब वहां करनी है। ध्यान रखिए कि ईपीसी कोर्सेज के लिए कोई भी टर्म एंड एग्जामिनेशन या कोई असाइनमेंट नहीं होता है। इन कोर्सेज में जो भी एक्टिविटीज दी गई हैं वो या तो आप वर्कशॉप में करते हैं या वर्कशॉप से पहले करते हैं। वर्कशॉप 1 में आने से पहले आपको दोनों कोर्सेज की 2-2 एक्टिविटीज, अर्थात जो आपके कोर्स BESL 121 और BESL 122 हैं, दोनों की 2-2 एक्टिविटीज पूरी करके उनकी रिपोर्ट साथ में लानी है। आप जो भी रिपोर्ट अपने साथ लाएंगे वो रिपोर्ट आपके मेंटर्स से वेरीफाइड होनी चाहिए और आपके इंटर्नशिप स्कूल के हेड और प्रिंसिपल ने उन्हें ऑथेंटिकेट किया होना चाहिए। आपके सभी रिपोर्ट्स का असेसमेंट वर्कशॉप के दौरान किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम प्रत्येक कोर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज की। पहला कोर्स है BESL 121, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट्स। इस कोर्स में कुल 4 एक्टिविटीज हैं। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट्स इन आवर स्कूल करिकुलम, मेटाकॉग्निशन फॉर रीडिंग, ये दोनों एक्टिविटीज आपको इंटर्नशिप के दौरान करनी है। यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम, ये दो एक्टिविटी आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है। पहली एक्टिविटी टाइप ऑफ टेक्स्ट्स इन आवर स्कूल करिकुलम, ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको इंटर्नशिप 1 के दौरान करनी है। इस एक्टिविटी को करने से पहले आप अपने कोर्स BESL 121 के ब्लॉक 1 की पहली इकाई यूनिट 1 को ध्यान से पढ़ें और सबसे पहले आपके विद्यालय में जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज करते हैं या जो चलती है उस टेक्स्ट बुक में कितने तरह के टेक्स्ट प्रयोग किए गए हैं और उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको लिस्ट डाउन करें। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को पहचानें और उनके एक एक एग्जाम्पल लिखें। ये टेक्स्ट आप या तो NCERT की टेक्स्ट बुक्स या आपके स्कूल में जो टेक्स्ट बुक्स चलती हैं उनसे ढूंढ सकते हैं। फिर अपनी च्वाइस का कोई एक प्रकार का टेक्स्ट चुनकर उस टेक्स्ट को आप अपने आप डेवलप करिए। अगर आप लिटरेचर के टीचर हैं तो आप पोएम, स्टोरी, ड्रामा, नरेशन डेवलप कर सकते हैं। आप साइंस के टीचर हैं, आप कोई टेक्निकल टेक्स्ट डेवलप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सा टेक्स्ट डेवलप करेंगे। आपने जो भी इस एक्टिविटी में किया है उसके असेसमेंट के लिए आपने कितने तरह के टेक्स्ट देखे और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पहचाने। आपने जो डिसिप्लिन या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं उनमें कितने तरह के टेक्स्ट पाए, उन सब में से प्रत्येक का टेक्स्ट बुक से कम एक एक एग्जाम्पल आपने ढूंढा और आपने जो अपना टेक्स्ट डेवलप किया, ये सारी चीजें आपके रिपोर्ट का हिस्सा होंगी और आपकी इसी रिपोर्ट का असेसमेंट वर्कशॉप के दौरान किया जाएगा। दूसरी एक्टिविटी इस कोर्स में है मेटाकॉग्निशन फॉर रीडिंग। ये भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको इंटर्नशिप 1 के दौरान करनी है। इसके लिए आपको अपने कोर्स BESL 121 की यूनिट 3 का सेक्शन 3.5 पढ़ना है, जहां पर मार्सी स्केल मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस फॉर रीडिंग स्ट्रेटजीज इन्वेंट्री की बात की गई है। उस इन्वेंट्री के बारे में पढ़िए, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़िए और फिर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट एरिया का कोई भी एक टेक्स्ट आइडेंटिफाई करके उसको पढ़िए और उसको पढ़ते समय पढ़ने के साथ साथ मार्सी स्केल का इस्तेमाल करिए। आप मार्सी स्केल के डिफरेंट डायमेंशंस जैसे ग्लोब सब स्केल, प्रॉप सब स्केल और सब जो सब स्केल्स हैं और ओवरऑल स्कोर, इसके आधार पर उस टेक्स्ट को एनालाइज करके अपनी स्कोरिंग करिए। फिर एक पैराग्राफ लिखिए कि एक अच्छे रीडर बनने में मेटाकॉग्निटिव
स्ट्रैटेजीज आपकी मदद कैसे करती हैं। इस एक्टिविटी के असेसमेंट के लिए आपने मार्सी स्केल का इस्तेमाल किस प्रकार किया है, आपने असेसमेंट मार्सी स्केल का कैसे किया है और अपनी अवेयरनेस और मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज के इस्तेमाल से एक बेटर रीडर बनने के लिए आपने अपने शब्दों में जो पैराग्राफ या रिपोर्ट लिखी है वो सारी चीजें आपके असेसमेंट का हिस्सा होंगी। इस पाठ्यक्रम में तीसरी एक्टिविटी है यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये एक्टिविटी एक मिक्स्ड ग्रुप एक्टिविटी है, अर्थात इस एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ट्रेनी टीचर्स को एक साथ छोटे ग्रुप में रखा जाएगा। ये एक्टिविटी आपके कोर्स BESL 1-to-1 के यूनिट 2 पर आधारित है जो वर्कशॉप के दौरान की जानी है। इसके लिए आपके वर्कशॉप फैसिलिटेटर या रिसोर्स पर्सन एक टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे आपके पढ़ने और समझने के लिए। फिर आप में से प्रत्येक समूह को वो टेक्स्ट दिया जाएगा, आप लोग उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे और उस टेक्स्ट के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपके रिसोर्स पर्सन आपकी परफॉर्मेंस असेस करेंगे। चौथी एक्टिविटी कोर्स वन में है रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम। ये एक्टिविटी भी एक मिक्स ग्रुप एक्टिविटी है, अर्थात इसके लिए जो ग्रुप बनेंगे उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के ट्रेनी टीचर्स होंगे। ये एक्टिविटी भी वर्कशॉप के दौरान कंप्लीट की जानी है। वर्कशॉप फैसिलिटेटर डिफरेंट सोर्सेज से कुछ आर्टिकल्स या कुछ टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, कुछ मैगजीन्स हो सकती हैं, कोई जर्नल हो सकता है, लेकिन वो जो भी टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे वो सेकेंडरी क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स से रिलेटेड होगा। आपके समूह को वो आर्टिकल या वो टेक्स्ट दिया जाएगा, आप उसको पूरी तरह पढ़ने के बाद अपने समूह में चर्चा करके उन डिसिप्लिन्स को पहचानेंगे, उन सब्जेक्ट्स को पहचानेंगे जहां उस टेक्स्ट का या उस टेक्स्ट में आए हुए कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद प्रत्येक समूह रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम पर एक वर्कशीट बनाएगा और प्रत्येक समूह अपना प्रेजेंटेशन देगा। आपके प्रेजेंटेशन का असेसमेंट आपके रिसोर्स पर्सन करेंगे। दूसरा ईपीसी कोर्स है BESL 1-to-2 एप्लीकेशन ऑफ ICT। यह कोर्स आपको एज ए टीचर स्कूल में और टीचिंग लर्निंग में डिफरेंट ICTs के इस्तेमाल को और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। इस कोर्स में भी चार एक्टिविटीज हैं, यूज ऑफ TPACK के टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज इन टीचिंग और ICT फॉर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू टीचर्स। ये दोनों एक्टिविटी आपको इंटर्नशिप वन में करनी है। यूज ऑफ सुटेबल रिसोर्सेज फ्रॉम NROER एंड यूज ऑफ कंसेप्ट मैप सॉफ्टवेयर फॉर क्लासरूम असेसमेंट, ये एक्टिविटी आपको वर्कशॉप वन में करनी है। एक्टिविटी वन जो इस कोर्स की है यूज ऑफ TPACK फ्रेमवर्क इन टीचिंग। ये फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको इंटर्नशिप वन के दौरान पूरी करनी है। सबसे पहले आप कोर्स BESL 1-to-2 की यूनिट 1 में TPACK के फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ें। अपने डिसिप्लिन से कोई दो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, उस टॉपिक के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है जो उस टॉपिक को पढ़ाने में काम आ सकती है, अर्थात उसकी पेडागॉजी से लिंक्ड हो, और उस कंटेंट से जो कंटेंट उस टॉपिक में है वो उसको पढ़ाने के लिए बेहतर हो, और उनका इंटरसेक्शन कैसे होगा। आपको अपनी सिलेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए और उस टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बताते हुए दोनों टॉपिक्स के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जो रिपोर्ट जब आप सबमिट करेंगे तो उसका असेसमेंट वर्कशॉप में होगा। दूसरी एक्टिविटी है ICT फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू टीचर्स। ये भी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो आपको इंटर्नशिप वन के दौरान करनी है। आप अपने आसपास के कुछ स्कूल्स विजिट करिए और वहां पर जो टीचर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि उन स्कूल्स में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता कैसी है, वे कौन से 3 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल वहां के टीचर्स अब एकेडमिक सपोर्ट के लिए करते हैं। अगर संभव हो तो उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जहां उन स्कूलों में ICT का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए किया जाता है। आपके द्वारा एकत्र की गई सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक इंडिविजुअल रिपोर्ट तैयार करिए कि
कि आईसीटी का एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए उन स्कूल्स में किस तरह से प्रयोग होता है। यही रिपोर्ट आपके असेसमेंट का आधार होगी। तीसरी एक्टिविटी यूजिंग अ सुटेबल रिसोर्स फ्रॉम एनआरओईआर, ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप एक्टिविटी है जो आपको वर्कशॉप के दौरान करनी है। वर्कशॉप फैसिलिटेटर आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें वो बताएंगे कि एनआरओईआर में डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग एक स्कूल टीचर कर सकता है। फिर आप लोग अपने ग्रुप में एक टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे जो किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, और सभी लोग मिलकर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे एनआरओईआर से और उसका एक लेसन प्लान बनाएंगे। फिर उस लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे। उसी लेसन प्लान को आप असेसमेंट के लिए सबमिट करेंगे जिसमें यह भी मेंशन करेंगे कि आपने एनआरओईआर से किन रिसोर्सेज को लिया है। चौथी एक्टिविटी है यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैप सॉफ्टवेयर फॉर क्लासरूम असेसमेंट। ये एक्टिविटी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप एक्टिविटी है जो वर्कशॉप के दौरान होनी है। वर्कशॉप फैसिलिटेटर आपको एक प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे आप कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन ने उसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। वर्कशॉप फैसिलिटेटर इस लिंक पर जाकर बनाई गई वीडियो का प्रयोग भी इस जानकारी को देने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आपसे हर एक सब्जेक्ट ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट मैप बनाने को कहा जाएगा, और फिर जो सेट ऑफ क्राइटेरिया है उसके आधार पर आप उसकी ग्रेडिंग करेंगे। हर एक ग्रुप अपने कॉन्सेप्ट मैप की ग्रेडिंग के स्कोरिंग क्राइटेरिया को सबमिट करेगा, और इसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट मैप का प्रेजेंटेशन देंगे। इसी के आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। तो ईपीसी एक्टिविटीज का असेसमेंट उन रिपोर्ट्स के आधार पर होगा जो रिपोर्ट्स आप डिफरेंट एक्टिविटीज में डेवलप करेंगे, और इन सभी का असेसमेंट वर्कशॉप के दौरान ईपीसी एक्टिविटीज के असेसमेंट के जो सेशंस हैं उनमें किया जाएगा। आपको अपनी एक्टिविटीज का प्रेजेंटेशन करने को कहा जाएगा। आप अपनी सभी ईपीसी एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स को दो अलग अलग पोर्टफोलियो में जमा करेंगे, एक ईपीसी कोर्स वन के लिए और दूसरा ईपीसी कोर्स टू के लिए। आपके रिसोर्स पर्सन आपकी ईपीसी एक्टिविटीज को ग्रेड करेंगे, और आपकी 8 एक्टिविटी 4 BESL 1-1 की और 4 BESL 1-2 की असेसमेंट होने के बाद दोनों कोर्स के लिए अलग अलग क्यूमुलेटिव ग्रेड दिया जाएगा, और वही ग्रेड आपका फाइनल ग्रेड होगा। आशा है कि ये प्रस्तुति आपको ईपीसी कोर्सेज को ठीक ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, फिर भी यदि आपको कोई समस्या है या कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें निसंकोच soe@ignou.ac.in पर लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और एक अच्छे शिक्षक बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।